हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक ड्राइव के बारे में। ये इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अगर आप इसको नहीं देखेंगे तो आप समझ लीजिए एप्लीकेशन को नहीं देख रहे हैं। तो आपको ज़रूरी है इलेक्ट्रिक ड्राइव समझने के लिए। स्टूडेंट्स, आप जानते हो, देखिए एक इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंस है, हम हर एक वीडियो में आपको बताते हैं, और वो क्या है कि देखिए, अगर आप इससे पिछले का वीडियो नहीं देखे हो, मतलब इससे पीछे का लेक्चर जो हमने पढ़ाया है वो आप नहीं देखे हो, तो आपके लिए बहुत ही डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज कहने का मतलब क्या है कि देखिए क्या है कि अब जितना आपका आईसी में, अगर जितना हमने पढ़ा है, अगर आप उतना पढ़ लोगे तो आराम से आप स्कोर कर जाओगे। वो आपको पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वो क्या है, आपका पावर डिवाइस है। तो आप जाइए और उसको पढ़िए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक ड्राइव के बारे में। ये भी आपका एक चैप्टर है, जो कि आपका चौथा चैप्टर है मेरे ख्याल से आईसी का। तो क्या है आपका, इंडियन है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल वे, ये जो कि आपका पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस है। तो इतनी चीज़ें आप ध्यान दीजिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम आपको जो है एक बहुत ही शानदार चीज़ बताते हैं, वो ध्यान से देखिए। आज का जो टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रिक ड्राइव। क्या है इलेक्ट्रिक ड्राइव है। तो अगर इस टॉपिक को हमें देखना है तो यहाँ पे इसकी स्पेलिंग में एक ई लगने वाला, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या है इलेक्ट्रिक ड्राइव, देखिए इसको समझने के लिए स्टूडेंट्स आप एक चीज़ समझिए, मैं आपको बताऊँ। तो आप जानते हो स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रिकल का कितना महत्व है। क्यों, आप कब समझोगे? कभी आप देखो कि आपके एरिया में अगर आपकी लाइन कट हो जाती है तब आपको लगेगा इलेक्ट्रिकल मतलब क्या होता है। देखिए इस प्रकार से समझिए, देखिए इलेक्ट्रिकल में क्या है, आप क्या पढ़ते हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो, उसे ट्रांसमिट करते हो, मतलब उसे क्या करते हैं, उसको वितरण, मतलब आप उसको क्या करते हो कि ट्रांसमिशन में ट्रांसमिट करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो और यूटिलाइज करते हो, इतना ही करते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, कोई भी चीज़ स्टूडेंट्स अगर बनाई जा रही है तो उसको वर्क में लाने से, मतलब उसको ऑन करने से ऑफ करने तक की कंडीशन रहनी चाहिए। और क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंस यह है, उसको कंट्रोल करना आना चाहिए। तो बस यही चीज़ है, कंट्रोल यूनिट वहाँ पे होना चाहिए। तो कंट्रोल किस हिसाब से होगा कि आप एक कुछ ऐसा सिस्टम बनाइए जिसके द्वारा आपको पता चले कि यहाँ से, मतलब आप जहाँ पे लोड है आपका, वहाँ से आपको फीडबैक मिले कि उसको क्या कमियाँ हैं, तो वो चीज़ें आपको सुधार करके फिर वो चीज़ें वर्क में आएँ। तो कहने का मतलब यह है कि फीडबैक आपको लोड से प्राप्त हो कि यहाँ पे जो है आपकी, मान लीजिए डायरेक्शन की कम, डायरेक्शन को चेंज करना है या फिर स्पीड को चेंज करना है, जो कुछ भी है उसको क्या करें, आपको कंट्रोल यूनिट से ला करके आपको फिर वो चीज़ें उसको प्रोवाइड कराए लोड को। तो ये किस प्रकार से होगा, ये होगा अब जो हम बता रहे हैं उसको समझिए। एक एग्जांपल लीजिए, मानिए स्टूडेंट्स आपके घर के ऊपर जो टंकी होती है जिसमें आप पानी भरते हो, टैंक होता है ना, जिसमें आप क्या करते हो, पानी भरते हो और उसमें उसको यूज करते हो आपकी नल के माध्यम से। तो वो क्या होता है कि कभी आप देखे होगी, अब क्या है, थोड़ी सी एडवांस हो गया है। एडवांस कहने का मतलब यह है उसमें इलेक्ट्रिक का इक्विपमेंट लगाए जाते हैं। क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप पानी भर रहे हो, तो पानी का जो, मान लीजिए टंकी भर गया है, तो उसमें क्या होता है, सेंसर के माध्यम से आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करा देगी, पानी आपका भर गया है और आप उसको बंद कर लीजिए। ये सब क्या है, ये सब उसकी एप्लीकेशन है। तो कुछ इसी प्रकार से आप इलेक्ट्रिक ड्राइव को भी लीजिए। इलेक्ट्रिक ड्राइव कहने का मतलब क्या है, यह एक सिस्टम है। अब चलिए टॉपिक पे आते हैं। देखिए ये क्या है कि यह एक सिस्टम है, क्या है, यह एक सिस्टम है जिसमें आपको क्या किया जाएगा कि जो आपके इलेक्ट्रिक मोटर हैं या इलेक्ट्रिक डिवाइस हैं, कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक मोटर हैं, और उनकी गति को, उनकी मोशन को, या फिर गति कराने में जो उस सर्किट होती है उसको, मतलब गति को नियंत्रण करने के, मतलब जो आपका मोशन है उसको कंट्रोल करने वाले जो सर्किट होते हैं, इसके कॉम्बिनेशन आपके इसमें होते हैं, किसमें, इलेक्ट्रिक ड्राइव में। तो एकदम सिंपल आप समझिए, इलेक्ट्रिक ड्राइव बहुत ही इंपॉर्टेंस है, मतलब कहने का मतलब ये प्रकार से आपको कंट्रोलिंग देता है। ये क्या है, यह एक सिस्टम है। चलिए इसको लिखते हैं, इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है कि यह एक सिस्टम है या प्रणाली है, हिंदी में आप प्रणाली लिख सकते हो, जिसमें, जिसके अंतर्गत क्या होता है, जिसके अंतर्गत क्या मिलता है आपको, इलेक्ट्रिक मोटर
या फिर इलेक्ट्रिक मोटर, या फिर जो आपके क्या नाम है कि इसके इलेक्ट्रिक मोटर, या फिर क्या होता है इसकी मोशन के, मतलब गति के, इलेक्ट्रिक मोटर और आप क्या लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक मोटर और उनकी गति, या फिर गति को नियंत्रण करने वाले सर्किट। इलेक्ट्रिक मोटर या उनके गति, मतलब मोटर के जो मोशन है, मतलब जो आपका, जानते हो मोटर क्या होता है, उसमें रोटर वाला भी पार्ट होता है जो कि आपका रोटेट करता है, स्टेटर होता है जो कि स्टेटिक्स पार्ट होता है, ये मशीन का पार्ट है। तो आप आई होप मशीन फर्स्ट में ये चीज़ें पढ़े होंगे आपके डीसी मशीन में। तो क्या होता है उनमें, उनके मोशन या फिर कह सकते हैं कि मोशन कराने, मोटर लीवर हैं उनके मोशन, या फिर मोशन कराने वाले सर्किट, मोशन मोशन सॉरी मोशन को नियंत्रण करने वाले, नियंत्रण मतलब कंट्रोलिंग, नियंत्रण मतलब कंट्रोल, कंट्रोल कंट्रोल करने वाले सर्किट, सर्किट का कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन होता है। आई होप आप ये चीज़ देख रहे होंगे। तो इसके यहाँ पे क्या देखिए, आपको क्या मिला है कि इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है, इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है, यह एक सिस्टम है जिसके अंतर्गत, मतलब जिसके अंडर में, इस मतलब इसके अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रिक मोटर जो है उसकी गति को क्या करेगा कि कंट्रोल को, उसके गति को कंट्रोल करेगा, या फिर जो आपको मोशन कराने वाले, जो मोशन कराने वाले जो सर्किट है उसको क्या करेगा, ये नियंत्रण कराने वाले सर्किट के कॉम्बिनेशन होते हैं, इसमें आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आप यह देखिए, यह एक क्या है, सिस्टम है जिसमें आपकी इलेक्ट्रिक मोटर या फिर उनकी गति, जो आपकी इलेक्ट्रिक मोटर है उसकी जो मोशन है या उसका गति, आप कह सकते हो गति ये हिंदी में होता है, या फिर उसके गति को कंट्रोल करने वाली जो सर्किट है उसके कॉम्बिनेशन को ये हम बोलते हैं, इसके इलेक्ट्रिक ड्राइव कहने का मतलब आप इतना समझिए। अब देखिए, अब आप क्या समझ सकते हो, सिंपल समझिए कि आपका इलेक्ट्रिक मोटर है उसको हम किस प्रकार से, इसको इलेक्ट्रिक ड्राइव के यहाँ पर कंट्रोलिंग उसको यहाँ पर प्रोवाइड होगी। तो ध्यान से देखिए कि साथ ही में आप जानते हो कि जो आपका इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम है इसमें मोटर की सुरक्षा, आप कंट्रोल कर रहा है तो सुरक्षा प्रोवाइड करेगा ही, मोटर की क्या करेगा, सुरक्षा और सुरक्षा का ख्याल रखता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये जो आपका इलेक्ट्रिक, आई होप स्टूडेंट्स आप ये चीज़ें नोट कर लिए होंगे। अब इसको हम रेस करते हैं। देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक ड्राइव में क्या, ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, तो आप इसको जिस प्रकार से हम बता रहे हैं आप ध्यान से देखिए, और ये मैं आपको जो है चैलेंज, मतलब आपको क्या करता है ये होप कराता हूँ कि आप ये लास्ट में आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए आप लिख सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक ड्राइव है इसके, इसमें आप क्या लिख सकते हो कि जो आपका इलेक्ट्रिक ड्राइव है यह क्या करता है कि इसको क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, एक प्रकार से लिख सकते हो कि क्या करता है, मोटर की सुरक्षा और मोटर की सुरक्षा का ख्याल रखता है। तो यहाँ आप लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक ड्राइव के माध्यम से, इलेक्ट्रिक ड्राइव जो है ये क्या करता है कि मोटर की सुरक्षा प्रोवाइड, सुरक्षा का ख्याल रखता है। आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे कि ये क्या करता है, मोटर की सुरक्षा का ख्याल रखता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रिक ड्राइव जो जो पॉइंट हम यहाँ पे लिखा रहे हैं, आप जानते हो स्टूडेंट्स कि जो अभी हमारा मॉडर्न टाइम चल रहा है, मतलब नाउ अ डे जो आपका इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम है उसमें आपकी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का उपयोग किया जाता है, और आप जानते हो सॉफ्टवेयर के माध्यम से डिजिटल इनपुट, इनपुट की आपकी क्या होती है, डिजिटल इनपुट आपको प्रोवाइड कराया जाता है, मतलब उसकी जो है डिजिटल इनपुट की अनुमति देता है। इतनी चीज़ें आप समझिए। तो इसको हम कैसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, आप जानते हो कि अभी जो नाउ अ डे लिख सकते हो कि जो आपका मॉडर्न टाइम चल रहा है इसमें आपकी जो सर्किट प्रयोग होने वाली है वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक सर्किटें जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, क्या इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे लिख सकते हो कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सिस्टम है उसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी का उपयोग किया जाता है। तो इसको लिख सकते हैं नाउ अ डे, मतलब जो मॉडर्न टाइम है आपका, यहाँ लिख सकते हो नाउ अ डे,
उसमें क्या लिख सकते हो कि आपका जो इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम है, इलेक्ट्रिक ड्राइव है, उसमें उसमें क्या लिख सकते हैं, जो आपका इलेक्ट्रिक ड्राइव है उसमें क्या होगा कि आपका जो इसमें इसमें क्या होगा कि जो आपका इलेक्ट्रिक सर्किटरी का उपयोग किया जाता है, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी का उपयोग किया जाता है। किसका? इलेक्ट्रॉनिक का। क्योंकि आप जानते हो कि अगर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का उपयोग इसमें करेंगे तो उससे आपकी एफिशिएंसी और जो है क्या होगा कि थोड़ा सा उसमें जो है काफ़ी चेंज आएंगे। तो हम बता रहे हैं, देखिए क्या क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में उसमें क्या होगा कि आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी का उपयोग किया जाता है, आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए, क्या होता है इलेक्ट्रिक ड्राइव में या उसमें, आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक ड्राइव में इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी का उपयोग किया जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी का अगर आप उसमें उपयोग करोगे तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सिस्टम उसमें उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सिस्टम आपका इसमें हो जाने वाला है, जिसमें आपका जो है कि इफिशियंसी इसकी क्या मस्ट इफिशियंसी इसमें जो आपको दिखेगी और एक्यूरेट वैल्यू इसकी होगी और मोर पावरफुल भी ये आपका होने वाला है। तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से इसमें डिजिटल इनपुट की अनुमति देता है, सॉफ्टवेयर के माध्यम से। तो यहाँ पर लिख सकते हो कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से, सॉफ्टवेयर के माध्यम से इनपुट इनपुट की अनुमति देता है। किसके माध्यम से? सॉफ्टवेयर के माध्यम से इनपुट की अनुमति देता है। अब ये हिंदी में इसलिए लिखवा रहे हैं क्योंकि आपके जो यहाँ पे मेजोरिटी है वो यूपी बोर्ड्स के है, कि आपका बोर्ड ही जो है वो क्या है, यूपी बोर्ड में होना, इसलिए यहाँ प्रायोरिटी जो है हिंदी की हम थोड़ा सा रखते हैं। तो चलिए यहाँ पे इतनी चीज़ें आप समझिए। और क्या है, अब इसके इसके कारण यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि मोर इसकी जो इफिशियंसी है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्या मोर या मस्ट क्या मस्ट इफिशियंसी सॉरी यहाँ पे इफिशियंसी और इसकी एक्यूरेटली और यह क्या होगा पावरफुल भी आपका होने वाला है, एक्यूरेट भी होने वाला है और मोस्ट इफिशियंट भी होने वाला है, मोस्ट एक्यूरेट भी और क्या होगा कि मोस्ट पावरफुल भी ये होने वाला है क्या आपका इलेक्ट्रिक डिवाइस सिस्टम। यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसके कारण जो क्या होगा कि मोस्ट, अभी जो इसका प्रयोग हो रहा है कि मोस्ट इफिशियंट भी होने वाला है, इफिशियंट होने वाला है और मोस्ट मोस्ट क्या होगा पावरफुल भी होने वाला है, फुल भी होना है और मोस्ट एक्यूरेट भी होने वाला है, मोस्ट एक्यूरेट एक्यूरेट भी होने वाला है। तो ये अब मैं अपनी लॉगिन से लिखवा रहा हूँ, तो आप भी इसको जो है जिस प्रकार से हम समझा रहे हैं उस प्रकार से आप इसको देखने को देखते हुए आप इसको नोट कर सकते हो। तो इतनी चीज़ें स्टूडेंट जो है आप इसको नोट करिए। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डिवाइस सिस्टम में विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के साथ साथ विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के साथ मतलब इसके विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के द्वारा जो है हम कुछ बनाते हैं जिसमें हम क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर डिवाइस का उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर डिवाइस का उपयोग करते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम में विभिन्न इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ साथ जो है हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर डिवाइस का भी उपयोग करते हैं। मतलब कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का हम उपयोग करते हैं। और वो कौन कौन से हैं? एक है आपका मॉस्फेट और दूसरा है आपका IGBT आदि शामिल हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए। IGBT क्या है? इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम में विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के द्वारा बनाया जाता है, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव सिस्टम है वो विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के द्वारा बनाया जाता है। तो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक
क्या है, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव है उसको हम विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के द्वारा बनाते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव सिस्टम जो आपका है, सॉरी इलेक्ट्रिकल ड्राइव जो सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल ड्राइव जो सिस्टम है, वो जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के, क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के साथ द्वारा बनाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के साथ, आप सभी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के साथ ये क्या होता है, बनाया जाता है, और आप लिख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे जो हम लिखने वाले हैं वो क्या है, यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रिक ड्राइव है, क्या है, इलेक्ट्रिक ड्राइव है, उसमें जो है कि आपका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर डिवाइस का भी इसमें क्या है, उपयोग है। तो आप लिख सकते हो कि जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर डिवाइस, जैसे यहाँ लिख सकते हो जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सेमीकंडक्टर डिवाइस का उपयोग होता है। अब वो कौन कौन है, जैसे आपका एक मॉस्फेट है, आई होप आप लोग मॉस्फेट जो है पढ़े होंगे, और एक है क्या है, JIBT, आई होप आप लोग ये चीज़ें समझ रहे होंगे कि IGBT है क्या, IGBT ये नहीं है, क्या है, IGBT। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, इंसुलेटेड। IGBT क्या है, अब MOSFET तो आप समझ रहे हो कि मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब इसको क्या, IGBT क्या है कि इंसुलेटेड गैस, इंसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर। क्या है, इंसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर। तो इसको लिख सकते हैं क्या है, इंसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर। आई होप आपको ये चीज़ें दिख रहा होगा, IGBT। देखिए ये क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको इंटरनली बता दे रहा हूँ, जो IGBT है सर, ये नया डिवाइस आपको देखने को मिल रहा है अभी तक जो आप स्टडी किए हो, ये किस हिसाब से आपको दिखेगा, क्योंकि आप अभी क्या पढ़े हो स्टूडेंट्स, आप पढ़े हो BJT और FET, ट्रांजिस्टर के दो पार्ट्स हो जाते हैं BJT और FET। तो क्या होता है, आप क्या उसमें देखे हो कि यहाँ इसके पास IGBT के पास BJT का भी प्रॉपर्टी होता है और FET का। असर ये प्रॉपर्टी क्या है, BJT की प्रॉपर्टी क्या है, FET की प्रॉपर्टी क्या है। देखिए BJT में क्या है, करंट कंट्रोल डिवाइस है आपका BJT, और जो FET है वो क्या है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। तो ये दोनों को कंट्रोल में लाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसके पास जो है प्रॉपर्टी होता है किसका, BJT का और प्लस FET का, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब जिसको BJT और FET नहीं पता है, वो जाए हमारे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो को देखिए, उसके बाद जो है इस पे आइए, क्योंकि ये क्या है, ड्राइव सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल ड्राइव सिस्टम है। तो कहीं कहीं ये क्या करेगा, आपके मोटर को या फिर जो आपको मोटर की मोशन को मोशन को जो नियंत्रण कंट्रोल करने वाली सर्किट है, उसके बारे में यहाँ पे आपको बताई जाएगी। तो आप जो है इतनी चीज़ें लिख लीजिए। अब हम एक आपको ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से कुछ चीज़ें बताते हैं, तो चलिए उसको हम बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स इतनी चीज़ें आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आपको ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से कुछ बताते हैं। स्टूडेंट्स जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये डायग्राम जो है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ये क्या है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ द इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक ड्राइव, ब्लॉक डायग्राम ऑफ द इलेक्ट्रिक ड्राइव। यहाँ पे आपको दिख रहा है सबसे पहले इनपुट पावर सोर्स। इनपुट पावर सोर्स का कहने का मतलब क्या है कि इसके नाम से लिख रहे हैं इनपुट पावर सोर्स, मतलब जो आपका इनपुट में जो पावर यहाँ पे जो सोर्स होगी, या फिर AC या फिर DC, दो कंडीशन आप देखने, मतलब जो चीज़ें आप इलेक्ट्रिक मोटर या फिर AC लगा DC जो भी वर्किंग है उसकी के हिसाब से, यहाँ पे दोनों आपको इनपुट पावर यहाँ पे जो प्रोवाइड कराई गई हैं देने के लिए, वो AC या फिर DC है। जो आपको स्टूडेंट्स पावर मॉड्यूलेटर दिख रहा है, ये क्या करता है, ये डिसाइड करता है अकॉर्डिंग टू मोटर को, इलेक्ट्रिक मोटर, कि इसको कौन सा पावर चाहिए या फिर फ्रीक्वेंसी किस हिसाब से चाहिए, या फिर एक प्रकार से यहाँ पे भी जो थोड़े से कंट्रोल यूनिट यहाँ पे होती है पावर मॉड्यूलेटर में। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है इलेक्ट्रिक मोटर, यह है इलेक्ट्रिक मोटर बताने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप मशीन फर्स्ट में पढ़ के आए हो, नहीं पढ़ के आए हो तो आप जाइए उसको पढ़िए। ये क्या करेगा, मोटर के बाद यहाँ पे लोड लगाया गया है कि आप जहाँ से इसको कंज्यूमर आपका बैठा है वहाँ पे लोड, तो ये क्या होगा,
देखिए, अगर मान लीजिए इसको क्या होगा, इसको आवश्यकता है लोड को, कि इसमें मान लीजिए इसको क्या है, टॉर्क की, स्पीड की, डायरेक्शन की, इन तीज की, इन चीज़ की मान लीजिए इसको रिक्वायरमेंट है, तो क्या करेगा, इसको किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो क्या करेगा, ये यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको लगा है सेंसिंग यूनिट, ये क्या करेगा, इसको सेंस करेगा कि सर इस चीज़ की इसको आवश्यकता है, तो ये क्या करेगा, फीडबैक सिग्नल के रूप में कंट्रोल यूनिट को प्रोवाइड कराएगा कि आप इसको क्या करिए, कि यहाँ पे पावर मॉड्यूलेटर को कहिए कि ये इसको क्या करे, इसको ये चीज़ें प्रोवाइड कराए। यहाँ पे आपको दिख रहा है इनपुट कमांड, तो यहाँ पे आपको क्या है, इनपुट से कमांड आपको करना है। आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे किस हिसाब से हम बोल रहे हैं। इनपुट कमांड कहने बोला रिफरेंस सिग्नल यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। तो स्टूडेंट्स ये है आपका जो है पल्स डिजिटल कंट्रोल सिग्नल आपका यहाँ से आपका होने वाला है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे पल्स डिजिटल कंट्रोल सिग्नल। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, एक प्रकार से कंट्रोल यूनिट आपको नहीं दिख रही है, कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे देखिए जो आवश्यकता है फीडबैक रूप में आपको कंट्रोल यूनिट को दिया जा रहा है। और यहाँ पे जो चीज़ें लगाए, मान लीजिए इसको देखिए, मान लीजिए इसको क्या है कि इसको मान लीजिए इस मोटर को एसी की आवश्यकता है, तो यह रेक्टिफायर, अरे सॉरी क्या नाम है, कि यहाँ पर मान लीजिए इसको डीसी की आवश्यकता है, तो क्या रेक्टिफायर की मदद से यहाँ पे अगर मान लीजिए एसी प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या करेगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट आपका कर देगा। अगर मान लीजिए इसकी फ्रिक्वेंसी को वेरिएबल फ्रिक्वेंसी की आवश्यकता है तो क्या होगा, साइक्लो कन्वर्टर वहाँ पर यूज हम लोग करेंगे। आप जानते हो साइक्लो कन्वर्टर का उपयोग क्या है, इससे पीछे पीछे हम इसको पढ़ाए हैं। तो ये स्टूडेंट्स कुछ आपका जो है ब्लॉक डायग्राम, ये आता है पेपर में ऑप्शन में करके आता है। और आप जानते हो कि यूपीपीटी का जो मेथड्स है, मतलब जो तरीका है पेपर बनाने का, वो आपको ऑप्शन में करके देते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन में दो ऑप्शन देंगे, या तो ए करिए या तो बी करिए। तो अगर ये ऑप्शन में आता है तो आप इसको बिल्कुल करिए। जो चीज़ें हम पढ़ाएं सबसे पहले, ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग क्या करिए, एज्यूम करके इसको पढ़िए। और ये क्या है स्टूडेंट्स, ब्लॉक डायग्राम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंस है, इसकी ब्लॉक डायग्राम को आप लोग नोट करिए। और ये ऐसी कोई चीज़ें नहीं है जो यहाँ पर समझने के लायक नहीं है, ये बहुत ही आपके सिंपल है बाकी और सारे टॉपिक से कंपेयर करेंगे तो। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप जाइए और ये सारी चीज़ें पढ़िए, और यहाँ पे बहुत ही ध्यान तरीके से पढ़िए। ज़्यादा आपका ये टॉपिक नहीं रह गया है, अब आईसी आपका कंप्लीट ही हो गया है, बस एक दो लेक्चर और, मतलब एक दो टॉपिक और है, वो अगर हो जाएंगे तो वो सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। तो आपके लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप जाइए और हमारे TDB के वीडियो को वॉच करिए और बताइए कि उसमें कैसा आपको कॉन्टेंट प्रोवाइड कराया गया है। कोई कमियाँ है स्टूडेंट्स आप कमेंट करिए, उसको हम जो है क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, चलिए थैंक यू।